हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्सिटाइल मितुल। अभी हम बैठे हुए हैं ट्रेन में बिकॉज आज हमारी बेगूसराय की ट्रिप कंप्लीट हो गई और अब हम निकल चुके हैं रांची के लिए। तो हम बैठे हैं फ्रॉम बेगूसराय टू रांची एक ट्रेन में, जिसका कि एक शॉर्ट सा वीडियो मैंने डाला भी था अपने चैनल पे, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि हमने 2AC में टिकट बुक कराई थी और ऐसा लग रहा था कि हम किसी पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए हैं बिकॉज एट अ टाइम इट बिकेम टू क्राउडेड एंड घिसकने की जगह नहीं थी बिल्कुल भी। तो अगर आप लोग शॉर्ट्स देखते हैं तो प्लीज़ मेरे भी शॉर्ट्स आप लोग देखा करिए, जो मैं बीच बीच में अपलोड करते रहती हूँ। या आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा किस हिसाब से कितना ज़्यादा कुहासा लगा हुआ है। ये सिमरिया पुल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो इन दिस वीडियो यू आर गोइंग टू हैव अ क्विक लुक और आई वुड रादर से अ समराइज्ड व्यू ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डन इन बेगूसराय और मेरे जितने सारे व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिले हैं। ये देखिए, जब आप सिमरिया पुल क्रॉस करते हैं, दिस इज वन ऑफ द रोड ट्रिप्स दैट वी वर हैविंग इन बेगूसराय एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ट्रेन आ जा रही हैं। ये एक अलग सा नज़ारा आपको देखने को मिलता है क्योंकि सिमरिया पुल एक ऐसा पुल है जिसके नीचे से भी ट्रेन जारी होती है, ऊपर से बेसिकली गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेस सब कुछ जाती हैं एंड नीचे से ट्रेन जाती है। ये रहा छठ के दिन के शाम के अर्घ का वीडियो, जब हम एक राउंड मारने निकल गए थे बाइक पर, ऐसे ही मोहल्ले के बिल्कुल पास अंदर ही है। ये टाउनशिप है बेगूसराय का, टाउनशिप का एरिया, जहाँ पर बहुत धूमधाम से छठ का सेलिब्रेशन होता है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मेला लगा हुआ है एंड बहुत अच्छी फीलिंग आती है यहाँ जाकर। यहाँ पर खूब अच्छे से लाउड स्पीकर पे उस समय छठ के गीत बज रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सजावट की इन लोगों ने। तो एक बहुत बड़ा महापर्व यहाँ पे हमारे लिए छठ होता है। आई होप आप लोगों ने मेरे छठ के व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने सब कुछ शेयर किया है, चारों दिन के व्लॉग्स, बहुत लंबे नहीं बनाए, शॉर्ट शॉर्ट से वीडियोस बनाए हैं, मैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड फ्रेंड्स, बेगूसराय के ट्रिप में छठ कंप्लीट होने के बाद हम चले गए थे देवघर, जहाँ पे हमने वैद्यनाथ धाम, बाबा वैद्यनाथ धाम, बाबा बासुकीनाथ धाम, ये सारी जगहें विजिट की। एंड कल ही मैंने बाबा बासुकीनाथ धाम का वीडियो अपलोड किया था। ये जो आप एक वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये छठ के सुबह के अर्घ वाले दिन का है। इसी दिन छठ कंप्लीट होता है एंड इसके बाद ही हम निकल गए थे देवघर के लिए, देवों के घर देवघर, जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। और ये आप बासुकीनाथ का वो वीडियो क्लिप देख रहे हैं, जो अगर कल आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये क्लिप आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, आई होप सो। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जमुई का एक जेल है। तो मुझे ऐसे रैंडमली जो कुछ दिखता है तो मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और ये लौटते वक्त, जब हम देवघर से लौट रहे थे, उस वक्त मैंने ये वीडियो क्लिप कैप्चर की थी। अमिस्ट नेचर इतना अच्छा फील होता है और इतने अच्छे रोड्स, समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड, मगर हर जगह पे रोड ऐसे नहीं थे। तो ये एक घाटी थी जो मैंने कैप्चर किया है। झारखंड में आपको बहुत सारी घाटियाँ मिलती हैं ऑन अ रोड ट्रिप। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एज वेल। Thank you so much for watching. I'll see you all next Saturday. Bye-bye.